Hello friends. In this video, I will be discussing about conformational isomerism. As you know, it is a kind of stereoisomerism, and uh, we have already discussed other type of stereoisomerism in our previous part of this series. So, coming to the course content. So, as you can see here, we have already discussed the details about introduction and the configurational isomerism in our in our previous videos. In this video, I will be discussing about conformational isomerism. These are the details about configurational isomerism, which is already discussed in previous four parts of the videos. So, uh, in this video, I will be discussing the details about conformational isomerism. Then, after that, I will be discussing about important questions in my upcoming video. So, coming to the details about conformational isomerism, the term conformation, first used by W. N. Haworth in 1929, refers to various spatial arrangements. तो ये जो कॉन्फर्मेशन टर्म है ये फर्स्ट यूज किया था डब्ल्यू इन हावर्थ ने 1929 में इसका मीनिंग होता है स्पेशल अरेंजमेंट मींस स्पेस में अरेंजमेंट यहाँ पर थ्री डी अरेजमेंट की बात की जा रही है कोई भी चीज स्पेस में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा उसका अरेंजमेंट कैसा होता है थ्री होता है थ्री डायमेंशनल होता है सो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल विच डिफर इन स्पेस बाई रोटेशन ऑफ टू एटम्स अबाउट ए सिंगल बॉन्ड एंड आर कैपेबल ऑफ फाइनाइट एग्जिस्टेंस तो यहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पर स्पेस में क्या होगा कंपाउंड्स में जितना भी एटम्स होगा उसमें सिंगल बॉन्ड होगा और उस सिंगल बॉन्ड के एक्सिस पे वो कंपाउंड रोटेट कर सकता है उससे उसका क्या होगा पोजिशंस चेंज होगा और उस पोजिशन चेंज की वजह से अलग अलग हमें कन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर मिलता है अलग अलग एग्जिस्टेंस मिलता है इसी का स्टडी हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में करते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं ये आप लोग देख रहे हैं ये इथेन का स्ट्रक्चर है इसमें दो कार्बन एटम है और छह हाइड्रोजन एटम है ओके तो तो फ्रंट फ्रंट से जैसे आप लोग देख रहे हो तो इस वाले कार्बन कार्बन एटम एटम के पीछे दूसरा वाला जो वाला जो सेकंड है वो छिपा हुआ है इस 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 एंगल से देखोगे तो वैसे हाइड्रोजन से ये वाला इस हाइड्रोजन से ये वाला इस हाइड्रोजन से ये वाला मतलब पूरे उसके क्या होते हैं सुपर इम्पोज है बट इसमें मान लो सेकंड वाले कार्बन पीछे वाले कार्बन को हम लोग रोटेट करते हैं कुछ इस तरीके से तो अब देखोगे तो इसका स्पेस इस में अरेंजमेंट चेंज हो रहा है अब ये देखोगे तो क्या होगा इस तरीके से देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट क्या है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच का जो एंगल है वो देखेंगे तो सिक्सटी डिग्री है यहां पर क्या था इस कंडीशन में ये जीरो डिग्री एंगल था इस कंडीशन में सिक्सटी डिग्री है इस तरीके से फिर और ये चला जाएगा तो फिर से जीरो डिग्री हो जाएगा मतलब एक्चुअली में 120 डिग्री है बट यहाँ पर सेम फंक्शनल ग्रुप है सेम एटम है इसलिए एक ये जीरो डिग्री जैसा दिख रहा है तो ये अलग अलग एंगल की वजह से जो जो अलग कॉन्फॉर्मेशन बनता है इसी को स्टडी करने के लिए हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म को पढ़ाई कर रहे हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आइसोमर्स दैट द सेम स्क्लिटन बट डिफर फ्रॉम ईच अदर विथ रिलेटिव पोजिशन तो जैसे आप लोगों ने अभी एक्सप्लेनेशन में देखा कि सेम स्क्लिटन है इथेन सेम था, but उसमें क्या था? था, उसका जो positions था, rotate हो रहा था जो carbon का जो का है, वो रोटेशन हो रहा था अबाउट सिग्मा बॉन्ड आर कॉल्डेशनलोमरीज किसमें रोटेट हो रहा था, था. सिंगल बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड में जितना भी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरीज होता है वो sp3 पी थ्री हाइब्रिडाइज होता है एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड का मतलब यह होता है कि उसमें चारों बॉन्ड होंगे चारों बॉन्ड तो सभी कार्बन में होते हैं बट इसमें क्या होगा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा चारों बॉन्ड होंगे और वो चारों सिंगल बॉन्ड होंगे इसका मतलब वो कार्बन क्या होगा एस पी थ्री हाइब्रिडाइज्ड होगा अदरवाइज डबल बॉन्ड होगा तो उसमें क्या होगा रोटेशन में रेस्ट्रिक्शन आता है फिर वो कन्फिग्रेशनल ऐसो के कैटेगरी में आ जाता है कन्फर्मेशनल में ओनली सिंगल बॉन्ड्स

तो यहाँ पर हमने बात किया इसका जो बात किया ये हमने थ्री में किया है बट जब हम इसको नोटबुक में लिखेंगे या फिर हमारे रेफरेंस या फिर टेक्स्ट बुक में ये प्रिंटेड होगा तो उसको थ्री में तो नहीं दिखा सकते उसको टू में दिखाना पड़ेगा तो वो टू में दिखाने के लिए दो मेथड्स हैं फर्स्ट मेथड इज न्यूमेंस प्रोजेक्शन एंड सेकेंड इज सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन आई होप आपको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में एक बेसिक आइडिया लग गया होगा अब हम लोग डिस्कस करने वाले न्यूमेंस प्रोजेक्शन और सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूमेंस प्रोजेक्शन तो इसमें क्या होता है द फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट विथ बॉन्ड्स इंटरेक्टिंग एट एट द पॉइंट तो यहां पर क्या होगा हाँ, ये है हमारा फ्रंट कार्बन ओके फ्रंट कार्बन कैसे होगा रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट बीच वाला जो दिख रहा है ये हमारा पॉइंट है पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं फ्रंट कार्बन को विथ बॉन्ड्स इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट तो यहां पर तीन बॉन्ड है वन टू और थ्री और ये इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं वो जहां पर कार्बन प्रेजेंट है बीचों बीच में उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा फ्रंट कार्बन का रिप्रेजेंटेशन और इन बॉन्ड में क्या क्या हो सकता है अलग एटम्स हो सकते हैं अलग ग्रुप हो सकते हैं सी एस थ्री हो सकता है हाइड्रोजन हो सकता है ओ एच हो सकता है सी एल OH हो, हो सकता है कुछ भी हो सकता है देन द रियर कार्बन अपियर्स एज ए सर्कल और जब हम लोग रियर कार्बन की बात करें मतलब जो पीछे वाला कार्बन है तो क्या होगा ये सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा इसका मतलब क्या है ये जो हमारे पास ये कार्बन एटम है फॉर एग्जाम्पल इस एंगल से देख रहे हो तो ये फ्रंट कार्बन होगा ये रियर कार्बन होगा तो ये फ्रंट कार्बन को पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ये बैक वाले कार्बन को सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जो हमने पावर पॉइंट में देखा था अब जब दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे दिखेगा इस तरीके से कुछ दिखेगा ये हमारा रियर कार्बन है और उसके सामने में फ्रंट कार्बन है तो यहां पर देख रहे हो ये कंप्लीटली ओवरलैप्ड है एक दूसरे को छिपाया हुआ है ओके तो एक्चुअली में ऐसे रिप्रेजेंट होना चाहिए एक्चुअल में ऐसा होता है पोजीशन बट इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है पीछे में क्या है पीछे में कौन सा ग्रुप है वो पूरा पूरा क्या हो जाता है ओवरलैप्ड हो जाता है सुपर इम्पोज हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको जो है थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए ठीक है तो उसमें प्रॉपर विजिबिलिटी हो जाती है पीछे वाले में कौन कौन सा ग्रुप है उसका भी बट एक्चुअल में ये होता है दोनों के बीच में जो फ्रंट कार्बन है उसके पीछे में बैक वाला कार्बन सुपर इंपोज होता है और उसके तीन ग्रुप और इसके तीन ग्रुप मतलब जो ओके यहां पर देख रहे हैं फ्रंट कार्बन है इसके जो तीन एटम है या फिर ग्रुप बोल दें हैं यहां पर हाइड्रोजन है हाइड्रोजन के अलावा और कुछ दूसरा चीज हो सकता है तो इसके बीच में इसके बीच में इसके बीच में इस और इस बॉन्ड के बीच में ये क्या होता है बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 एट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है वैसे ही इस वाले कार्बन में भी होगा ओके नेक्स्ट सो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन सो हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है द लोअर लेफ्ट कार्बन इज ऑलवेज टेकन टू बी टुवार्ड्स द फ्रंट यह हमारा दो एग्जाम्पल है एक है हमारा स्टेगर्ड और दूसरा होता है एक्लिप्स स्टेगर्ड का एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा द लोअर लेफ्ट कार्बन इज ऑलवेज टेकन टू बी टुवार्ड द फ्रंट फ्रंट में क्या होगा लोअर लेफ्ट कार्बन जो होगा उसको फ्रंट में लेंगे यहां पर ये यह फ्रंट में लेंगे और ये स्टेगर्ड पोजिशन है और जो एक्लिप्स पोजिशन है उसमें क्या होगा चेंजेस हो जाएगा एक्लिप्स पोजिशन में क्या होगा यहां पर देख रहे हो तीनों हाइड्रोजन का जो एटम है वैसा ही इसका भी पोजिशन है मतलब इन तीनों के पीछे में ये तीनों छिप जाएगा बिल्कुल छिप जाएगा और स्टेगर्ड में क्या होगा ये इन तीनों का जैसा पोजिशन है इन तीनों का मतलब इस हाइड्रोजन का और इसका मतलब कंपेरिजन करेंगे तो सिक्सटी डिग्री का मतलब डिफरेंस होगा दो कार्बन के बीच में ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेगर्ड इस इसको मैं रिप्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ ओके ये हमारा हो गया एक मतलब इस कार्बन के पीछे ये छिपा रहेगा कार्बन के पीछे तो कार्बन छिपा ही रहेगा लेकिन यहाँ पर बात होती है ग्रुप्स की तो ये वाला जो ग्रुप है या फिर एटम है इसके पीछे ये छिपा हुआ है इसके पीछे ये छिपा हुआ है और इसके पीछे में ये छिपा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं अब इसको हम लोग 60 डिग्री में रोटेट कर देते हैं तो अब इस कंडीशन में देख रहे होंगे कि ये तीनों एटम भी आपको ठीक से दिख रहा होगा और पीछे वाले तीनों एटम भी ठीक से दिख रहे हैं ये तो इस पोजिशन को हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स और एकिप्स पोजिशन में ही हमारा जो इस एटम और मतलब इस ग्रुप और इस ग्रुप या फिर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है वो मैक्सिमम होता है ये होता है हमारा 60 डिग्री ये 60 डिग्री होता है और इसको ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा फिर ये इसके नज़दीक आ जाएगा ये वाला बॉन्ड इसके नज़दीक आ जाएगा तो सिक्सटी से कम हो जाएगा इसको इधर करोगे तो इसके नज़दीक में आ जाएगा ओके तो ये हो गया हमारा एकलिप्स और ये हो गया हमारा स्टेगर्ड पोजिशन आई होप आपको न्यूमेंस प्रोजेक्शन और सौ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब हम लोग अपकमिंग वीडियो में देखेंगे इथेन में कन्फर्मेशनल आइसोमरीज कैसे होता है थैंक यू सो मच